हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी चौधरी, आपके दांतों की डॉक्टर। आइए आज हम बात करते हैं कि मसूड़ों से खून क्यों आता है, क्या कारण है और इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। जब भी आप ब्रश करते हुए दांतों से खून आ जाता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ सख्त चीज़ खाई, कोई फ्रूट लिया, तब आपके मसूड़ों से खून आ जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है आप ना ब्रश कर रहे हो ना कुछ खा रहे हो, फिर भी आपके मसूड़ों से खून आ जाता है, जो देखने में भी बहुत गंदा लगता है और क्या होता है उससे स्मेल भी बहुत बुरी आती है। तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं और क्या क्या इसके इलाज हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण होता है वो होता है टार्टार का फॉर्मेशन हो जाना। टार्टार कैसे जमता है? जो एक कैलकुलस जो होता है प्लाक की हार्ड लेयर बन जाती है। प्लाक क्या होता है? जब भी आप कुछ खाना खा रहे हो, कोई स्वीट ड्रिंक्स ले रहे हो, सोडा ले रहे हो, तो हमारे दांतों पे पतली सी लेयर जम जाती है जो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। बट कई बार ऐसा होता है हम साफ़ सफाई मेंटेन नहीं कर पाते हैं, अच्छे से उसको क्लीन नहीं कर पाते हैं, तो वो एक हार्ड फॉर्म बना लेता है जिसको नॉर्मल भाषा में टार्टार बोलते हैं। अगर वो हार्ड फॉर्म में बन गया है तो आप उसको नॉर्मल ब्रशिंग से नहीं हटा पाएंगे खुद से। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल क्लीनिंग करानी पड़ेगी, आपको अपने फैमिली डेंटिस्ट से विजिट लेनी पड़ेगी और उसको साफ़ करवाना पड़ेगा। दूसरा कारण क्या होता है कि हमारे दांत बिल्कुल साफ 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 हैं, कोई टार्टर की लेयर नहीं जम रही है, फिर भी ब्रश करते हुए खून आ रहा है, तो उसका कारण हो सकता है कि आपको विटामिन सी की कमी तो नहीं है। इसके लिए आप अपने फिजिशियन से मिलिए, उनसे एक अपना प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशन प्लान बनवाइए और एक अच्छी अमाउंट में न्यूट्रिशन हेल्दी डाइट लीजिए, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। तीसरा कारण क्या हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्टेजेस में ऐसे स्टेज पे होते हैं कि हार्मोन्स में चेंज होता है। ज़्यादातर जब फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें हार्मोन्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तब क्या होता है हमारे मसूड़े इन्फ्लेम हो जाते हैं और उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप एक होम रेडीमी अपना सकते हैं। उसमें क्या होगा, आपको एक गिलास गुनगुना पानी करना है, उसमें चुटकी भर नमक डालना है और उससे कुल्ले करिए, तो वो काफ़ी हद तक आपको आराम देगा। और क्या कारण हो सकते हैं, आप आते हैं बोलते हैं कि जी हम तो ब्रश दो दो बार करते हैं फिर भी सफाई नहीं हो पा रही है, फिर हम आपसे प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, डिटेल्स लेते हैं कि आप कैसे ब्रश करते हो, तो बताते हैं कि हम उंगली का इस्तेमाल करते हैं, हम ब्रश नहीं यूज़ करते। तो आप उंगली का इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाते हैं, आपको ब्रश का ही इस्तेमाल करना होता है। ब्रश ही है जो आपके टूथ को प्रॉपरली क्लीन करेगा, आपके मसूड़ों को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। आपके मसूड़े भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने ज़रूरी आपके दांत हैं। आप दांतों से खाना खाते हो पर जो मसूड़े हैं वो उनका बेस होता है। जितने हेल्दी आपको दांत चाहिए उतने ही हेल्दी आपके मसूड़े भी होने चाहिए। तो मसूड़ों को इन्फ्लेम ना होने के लिए आप उनकी अच्छे से साफ़ सफाई मेंटेन करिए। अगर आपको कोई भी अपने डेंटल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपके ब्लीडिंग गम है, तो एक बार अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए, उनके पास जाइए और अपना रेगुलर चेकअप कराइए। अगर आपको आपकी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड फॉलो माई चैनल। थैंक यू।